शुक्रिया शुक्रिया, ये शुक्रिया उन लोगों की तरफ से है जो 47 में खानेवाल से चले और अपने अपने माइग्रेटेड प्लेस पे पहुंचे। लेकिन आज तक ये वो उन लोगों को शुक्रिया करते हैं जिन्होंने उस 47 के दौरान इन सब की हिमायत की। वो हैं शख्स जनाब फरीद खान साहब और जनाब हैबत खान साहब। हालांकि उनको याद करते हैं कि डा परिवार, हैबत खान डा एंड फरीद खान डा, उन्हें ये आज तक लोग याद करते हैं। इन इस परिवार ने उनकी इतनी मदद की जो ये आज तक भूल नहीं पाए, और ये बोलते हैं कि अगर ये वहां ना होते तो शायद हम आज जिंदा ना होते। तो मैंने उन सब लोगों के जो वीडियोस, जो क्लिपिंग इकट्ठी की हुई थी, उनको आज पिरो के उनके शुक्रिया के रूप में आप तक पहुंचा रहा हूं। वो आ जाने तो चार चीजा तोहफा मुल्तान, गर्द गर्मा गदा व गोरिस्तान। गर्द धूल मिट्टी, गर्मा गर्मी, गदा मतलब भेख मंगा, और गोरिस्तान कबरा बहुत ज्यादा होते। ये चार चीजा तोहफा मुल्तान आते हैं। काम साडा है भठियां दा, ठेकेदारी दा, भठियां दा इटाले बच्चे। हाँ हाँ समझ गया। इन्हें बच्चे ना काम आई, जमीन आई मुसलमान ना दी, खाना दी। अच्छा। तो पुराना खाने वाली आई। अच्छा। ऐसा नवे चाहूँ तो पुराना जिते खान रहने दे ज़्यादा। ठीक ठीक। उन्हें दे ना दुखते आई, खाना दी। जमीन उन्हें दी आई, तो उन्हें दे हिस्सा भी आई, जब बच्चे ऐसा पर बच्चे तो काम करते हो। लेकिन खाना दे बेच एक खान जो साढ़े हिस्सेदार हैं, उस दी औलाद को भी आई, औलाद को भी आई, मतलब उसने बहुत मदद की थी जीवन की। किमे तो मतलब उन्होंने दितरा कितरा उन्होंने बारो किसे मुसलमान हमला नहीं करन देंदा आई। अच्छा। बारो मुसलमान शरारती भी तहान बेच बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो इस वास्ते उसने फरीद खान आई ना। फरीद खान बिल्कुल आई। फरीद खान तो उस मतलब उसने अपना एरिया काबू किया हुआ, कोई आके शरारत ना करे। ये तो बड़ा मौजूद आदमी आई उत्थू दा। हाँ मौजूद बड़े वो आई, उसने नुकसान नहीं होने दिता। खीर तक गड्डिया तक भी छोड़ाई उस गड्डियों के चढ़ावन वास्ते हिंदुओं ने। एक मेरे मामे रखे हैं कहें तो जेवर, तो वो आए मामा मेरे तो लुक गया, तो वो मेरे लाले लाए के लगे गए थाने सिपाही आए। हम अस आखिर तो लाला साढ़ा गया उत्थे अंदर थाने वजे बंदा साबित कोई ना आई आता। तो कुदरती राती असा तो अजें रो दो बैठो दे किस्म दे और अपना हैबत खान अड्डा आए खानेवाल का, जो सरदारपुर संत अपना हराजा बचाया है ना, सारे खानेवाल की हिफाजत उस की हैबत खान अड्डा। हाँ वो चक्कर में रहा सारी रात कितने कह मुसलमान कोई नुकसान ना करे हिंदुआ का। वो कुदर जी घूमते घूमते डी एस पी आई तो वह आ गया थाने दे विच, ते लाला मेरा बैठा आई इस क्यों बहा रखे ने थानेदार तो पूछो तो इसमें क्यों बाहर रखे ने इन इन जी के साले ने जेवर रखे हुए हैं तो फलान उन्होंने धमकाय उस पर साले ये जेवर रखे तो बनवाई ने बहा के रखे उन्हें। चलो इन बादशाह तो घर पहुंचा के आओ और रात रात घर छोड़ कर। अच्छा। हाँ वो नाम ही सारे खाने वाले जात दिन में बिल्कुल खाने वाले हैबत खान सराज ना होंगे ना तो सारे मुल्तान जो एक बंदा ही वापस कोई नहीं आता। इन्हें दो जने बचाए सारे जिले मुल्तान। देखो पंजाब जैन पंजाब के 29 जिले हैं, जिसलिए पार्टीशन हुई 17 पंजाब गए पाकिस्तान, तो 12 हिंदुस्तान। 12 हिंदुस्तान आए तो उस मतलब 12 चु फिर 7 पंजाब गए तो 6 5 हरियाणे आए। अगर तो फिर अगर पार्टीशन चल गई ना, लेकिन वो जो 17 उदे गए
ਉਹ ਦਰਖੇਜ ਇਲਾਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਸੱਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਸੱਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਕਬੀਰਵਾਲਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਸ਼ੁਰਜਾਬਾਦ ਮੈਲਸੀ ਲੋਦਰਾਂ ਵਿਹਾੜੀ ਇਹ ਸੱਤ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਤ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਆਈ ਅੱਛਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1905 'ਚ ਬਣਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਰਸਾ ਹੈ ਨਾ ਸਰਸਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਇੱਕ ਲੈਲਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਇੱਡਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਈ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖਾਨੇਵਾਲ 1905 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਟੇ ਕਹਿਣ ਪਲਾਟ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਹੈਬਤ ਖਾਨ ਅੱਡਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਖਾਨ ਛੱਡਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੂਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੌਂਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵਾਂ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰੇਲ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੀ ਦੂਜੇ ਮਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਨੇਵਾਲ ਆਈ